बॉलीवुड में इस वक्त एक अनसुनी सी जंग चल रही है और ये जंग है दो सुपरस्टार्स के स्टारडम और फैन बेस के बीच। समझदार लोग हमारा इशारा समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि यहाँ बात हो रही है गारंटी कुमार अक्षय मोस्ट वांटेड राधे यानी सलमान खान की, जिनकी मूवीज के बीच होने वाली साइलेंट जंग अब किसी और ही मुकाम पर पहुंच गई है। हालांकि फिलहाल राधे और लक्ष्मी के बीच होने वाली जंग पर कोरोना और लॉकडाउन के कारण विराम लगा हुआ है, लेकिन अब एक और नई जंग है जिसका बिगुल फूक चुका है। दरअसल ये जंग फिल्मी मैदान पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया के मंच पर मची हुई है। कैसे, अब जरा वो समझ लीजिए। दरअसल आज इस बात का डंका हर तरफ बज पड़ा है कि सलमान खान ने अक्षय और शाहरुख खान को ट्विटर में फॉलोवर्स गेन करने के मामले में पछाड़ दिया है। लेकिन हम आपको बता दें कि भले ही सलमान ने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर खिलाड़ी को पटक नहीं दे डाली हो, लेकिन बात करें इंस्टाग्राम की तो वहाँ आज भी अक्षय के नाम की तोती बोल रही है। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। ट्विटर पर सलमान खान ने सभी को पछाड़ते हुए दी है बड़ी शिकस्त। तो बता दें कि सलमान खान ने ट्विटर पर 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। वही इस तीसरे नंबर पर है शाहरुख खान, जिनके ट्विटर पर 3,90,00,000 से भी ज्यादा फॉलोवर्स है। वही 3,50,00,000 फॉलोवर्स के साथ आपके खिलाड़ी कुमार ट्विटर पर चौथे नंबर पर है। लेकिन अगर बात करें इंस्टाग्राम की तो वहां अक्षय का दबदबा कायम है बस, क्योंकि बता दें कि हिट मशीन के इंस्टाग्राम फॉलोवर्स 3,90,00,000 से ज्यादा है। जी हाँ, 3,90,00,000। वही सलमान खान के करीब 3,10,00,000 से ज्यादा फॉलोवर्स है। यहाँ वो बॉलीवुड के दूसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले मेल एक्टर्स है। यानी भले ही मूवीज और लोगों का प्यार पाने में गारंटी कुमार अक्षय अव्वल रहे, लेकिन ट्विटर पर सलमान उनसे 2 कदम आगे निकल आए। खैर, फिर भी देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस पर आज का किंग कौन है, ये बात तो बच्चा बच्चा बता सकता है। तो अक्षय की इस कामयाबी पर आपकी क्या राय, दीजिएगा अपना जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में।